नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और व्रत के समय सभी लोगों ने चील स्यान की कथा सुनी होगी, तो चील स्यान की कथा गाने के रूप में, गीत के रूप में मैं गाने जा रही हूँ। पूरी कथा है चील और सियारिन की, सीलावती और कबूरा की, तो चलिए सुनते हैं। आओ सखियों मिलकर सुने कथा जितिया पर्व की, कथा चील सियारिन की, सदा सुखी बनाए रखना मेरे ललना की जिंदगी, मेरे बबुआ की जिंदगी। आओ सखियों मिलकर सुने कथा जितिया पर्व की, कथा चील सियारिन की, सदा सुखी बनाए रखना मेरे ललना की जिंदगी, मेरे बबुआ की जिंदगी। एक बार की बात है कंचनवटी वन में, सियारिन चीली दो सखियाँ रहती थी संग में। एक बड़ा पाकड़ का पेड़ था नर्मदा तट नदी के तट पर, नीचे सियारिन रहती ऊपर चीली रहती वट पर, ऊपर चीली रहती वट पर। पाकड़ का पेड़ था बहुत पुराना, उसको पूजे था सारा जमाना। अश्विन मास की अष्टमी की तिथिया, सभी माताएं रहती थी व्रत जितिया, सभी माताएं रहती थी व्रत जितिया। ये देख कर चीली का मन डोला, व्रत रखना है उसने सियारिन से बोला। जीवतवान भगवान कर निर्जला व्रत रखने का, दोनों ने संकल्प किया व्रत रखने का। उसी दिन गांव के एक सेठ की अंतिम घड़ी आई, सेठ का अंतिम संस्कार हुआ नदी के तट पर, नदी के तट पर। जैसे जैसे रात बड़ी घनघोर घटा बढ़ती जाती, सियारिन को भूख लगी और भी बढ़ती जाती, और भी बढ़ती जाती। मांस खाकर सियारिन ने अपने व्रत को तोड़ा, जितिया मैया नाराज हुई, उन्होंने मुख को मोड़ा, उन्होंने मुख को मोड़ा। अगले दिन चीली ने नौमी को पारण किया, जीहुतवाहन भगवान ने भी उसे आशीष दिया, उसे आशीष दिया। कुंभ के मेले में दोनों दोनों मर गई सखियाँ। आओ सखियों मिलकर सुने कथा जितिया व्रत की, कथा चील सियारिन की, सदा सुखी बनाए रखना मेरे ललना की जिंदगी, मेरे बबुआ की जिंदगी। अगले जन्म दोनों ब्राह्मण के घर जन्मी बहने, सीली सीलावती और सियारिन कपूरावती थी बहने, कपूरावती थी बहने। सीलावती ब्राह्मण संग थी ब्याही, कपूरावती राजा संग थी ब्याही। सीलावती सात पुत्रों को जन्मी, कपूरावती को संतान एक भी ना बची। सीलावती सातों पुत्रों को जन्मी, कपूरावती की कोई संतान ना बची। कपूरावती को सीलावती से ईर्ष्या हुई, सातों पुत्रों के सर कटवा के गई। सात थाली में सर को सजाया, उसको लाल कपड़े से ओढ़वाया, फिर सीलावती के घर भिजवाया, सिर सीलावती के घर भिजवाया। जीवतवाहन भगवान की कृपा से सातों पुत्र जीवित हुए अमृत से, सातों पुत्र जीवित हुए अमृत से। आओ सखियों मिलकर सुने कथा जितिया व्रत की, कथा चील सियारिन की,
सदा सुखी बनाए रखना मेरे ललना की जिंदगी, मेरे बबुआ की जिंदगी। कपूरावती सीलावती के घर वापस भागी, सातों पुत्रों को जीवित देख दंग रह लागी, देख दंग रह लागी। थाली में सर की जगह फल रखे थे, थाली में सर की जगह फल रखे थे। कपूरावती को पिछले जन्म की बात थी याद आई, अपनी करनी पर वो बहुत पछताई, अपनी करनी पर वो बहुत पछताई। वहीं पाखड़ के पेड़ के नीचे उसने समाधि लगाई, राजा ने भी उसी जगह उसकी चिता थी जलाई, राजा ने भी उसी जगह उसकी चिता जलवाई। हे भगवान, जैसे सीलावती के पुत्रों की रक्षा की थी, वैसे मेरे ललना की भी रक्षा करियो मैया, रक्षा करियो मैया। भूल चूक जो हुई माफ करना, अपना आशीष हम पर बनाए रखना, अपना आशीष हम पर बनाए रखना। आओ सखियों मिलकर सुने कथा जितिया व्रत की, कथा चील सियारिन की, सदा सुखी बनाए रखना मेरे ललना की जिंदगी, मेरे बाबुआ की जिंदगी। तो प्रेम से बोलिए जय जीवित वाहन भगवान की, जय जीवित जितिया मैया की, जय जीवित पुत्र का भगवान जी की, सभी की जय। आप सभी के बच्चों की लंबी आयु हो, हम सब के बच्चे की आयु लंबी हो, स्वस्थ और सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।